धन्यवाद 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 धन्यवाद। अर्चना जी आपको डराऊं? अपने लेफ्ट में देखो सिद्धू जी। ये हमारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं। हाँ, अच्छा। पाजी यूएई से आए हैं। हाँ? पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्चना जी आज हाँ? हमारे बीच में साहो की टीम आने वाली है। ओ! तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा वेंकट सत्य नारायणा प्रभास राजू उपलपति। ये पांच लोग नहीं है, सिर्फ एक आदमी का नाम है। हाँ? और ये अकेला आदमी हाँ? पांच स्टार्स के बराबर है, द सुपरस्टार प्रभास, और साथ में वेरी ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड श्रद्धा कपूर। प्रभास और श्रद्धा के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रभास श्रद्धा आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ओह फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू प्रभास सर, बिकॉज आई नो सर यू डोंट डू प्रमोशन इन साउथ, यू हैव ह्यूज फैन फॉलोइंग, बट लर्न समथिंग फ्रॉम श्रद्धा। अच्छा। शी डू फोर फिल्म इन अयर एंड कम एट टाइम्स। शी कम एट टाइम्स, टू टाइम्स पापा कम्स एंड ऑल्सो विद मौसी। सो मैं श्रद्धा आपके लिए ये मकान खाली, इसमें कपूर निवास लिख देते हैं, आप तो यहाँ पे शिफ्ट ही हो जाओ, क्योंकि इधर वाला हमने सोनाक्षी को दे रखा है। हाँ, वो भी। और ये वाला तो अक्षय कुमार से हम खुद रेंट पे ले रहे हैं। तो प्रभास सर आप बहुत ये जाते नहीं है, प्रमोशन नहीं करते हैं ज्यादा, बिकॉज जरूरत ही नहीं होती इनको, पर प्रभास सर जब इतने सारे फैंस आपका नाम चिल्लाते हैं, हाउ डू यू फील? वेरी हैप्पी सर। वी ऑल्सो हैव सम इंटरनेशनल फैंसी। हाय गर्ल्स, हाउ आर यू? व्हाट्स योर गुड नेम ब्यूटीफुल? हेलो सर, माय नेम इज फरहनास खान एंड आई एम हाफ पर्शियन इटालियन इंडियन। ओह, वर्ल्ड लेवल की इंटीग्रेशन। So I love India a lot. Thank you. Because I love my country. Uh-huh. Oh, so sweet. Thank you. Thank you. So, I love you and your family. Oh, yeah, bro. You met my mom? So, yes. You were talking with my mom? She's... कैसे बात की? उनको तो हिंदी भी नहीं आती है. तो इंग्लिश तो हमारी फैमिली में किसी को नहीं आती है. So, how you guys were talking with each other? One another international no, art. I talk Hindi and Urdu and a little bit Punjabi. I don't know. How you are so fair, like boiled egg. I mean, like what? Boiled egg. Because I boil in India. I boil. You're very beautiful. Welcome. And she's your cousin, friend. Hi, Kapil. Hi. I'm from Turkmenistan. Oh, I love Turkmenistan. Hi, Prabhas. Hi, Shraddha. You always telling this, and yeah. You never know where is this country. Yeah, you I always know. Telling, Turkmenistan, of it course. It is near Kyrgyzstan, no? Huh? Like last time. Mm. I know very well about Turkmenistan. It's out of India. So it's your third visit to our show? No, second time. Second time. Yes. Before your show was from another channel. Yes. Oh, sorry, history पता लड़की को. Obviously. तुम्हारी history पता है मुझे ये channel के क्या. Guys, देखिए हमारी popularity. तुर्कमेनिस्तान वाले हिंदी बोल रहे हैं.
बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलके शुक्रिया we love you Kapil love you too thank you and I'm married but still I love you because of you I came because of you and Prabhas I love you so much you are amazing thank you so Prabhas you have huge fan following in girls I like your kismat So I think you have to do in Bollywood also few movies. Yeah. Yeah, not in Telugu only. Okay. Saaho is a Bollywood movie also. Saaho is in Hindi, in Telugu, in so many other languages. Shukriya, thank you so much. Thank you, Kapil. Prabhas, Shraddha, please, please have a seat. Prabhas sir. साहो का मतलब क्या होता है? In Sanskrit, it's like जय हो। Okay, जय हो। संस्कृत में जय हो। Something like that. साहो। और फिल्म साहो का ट्रेलर इतना खूबसूरत है आप दोनों को बहुत-बहुत मुबारकबाद इसके लिए। Thank you. और उसके वीडियोज इतने वायरल हो रहे हैं, गाने इतने पॉपुलर हो रहे हैं। Wow. साहो। अच्छा जितने यहाँ पे हमारे दर्शक बैठे हैं प्रभास का पूरा नाम कौन कौन जानता है प्रभास तो सब जानते हैं अगर आपने पूरा नाम लिया तो आपको हम एक गिफ्ट देंगे वो इनको माइक दे दीजिए व्यंकट नारायण हाँ जी इज ही राइट सो फार यू हैड योर ब्रेकफास्ट थोड़ा थोड़ा ओके थोड़ा थोड़ा सो इन द अदर स्टूडियो देयर इज गोइंग इंडियन आइडल यू कैन गो देयर यार हाथ तो इतना कॉन्फिडेंस से खड़ा किया आपने ओके कोई बात नहीं बैठ जाइए और किसने हाथ खड़ा किया था उस तरफ इनको माइक दे दीजिए यू हैव माय फोटो ऑन योर टी शर्ट यस सर ओह ब्रो दैट्स फॉर यू एंड गिनी मैम थैंक यू लव यू शुक्रिया कहाँ से आए आप सर मैं नागपुर से हूँ नागपुर से जी सर संतरे नहीं लेके आए लेके आया हूँ पक्का लेके आए हो संतरे की बर्फी अच्छा सब लोग नागपुर से आए हैं जी सर अरे बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी तो आप प्रभास का पूरा नाम लीजिए जरा वेंकट नारायण प्रभास राजू उपल्लपट्टी ऑलमोस्ट राइट ऑलमोस्ट राइट ओके सो एक ट्राई और करते हैं अगर किसी ने पूरा एग्जैक्टली ले लिया तो गिफ्ट उसका धन्यवाद ब्रदर क्या नाम है आपका मेरा नाम विवेक सिंह विवेक सिंह थैंक यू विवेक उन्होंने भी हाथ खड़ा किया था एक और हाँ उनको भी दे दो माइक इनका भी ट्राई कर लेते हैं वेंकटा सूर्य नारायण प्रभास राजू उपल्लपट्टी कहाँ से आए आप सर लाल बहादुर सिंह कहाँ से लाल बहादुर सिंह से आए हो मैंने बोला कहाँ से आए आप सर मैं यूपी से आया हूँ मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई में काम करता हूँ अच्छा जी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चाय पिला इस फ्रॉम इनकम टैक्स दिस गाय बाहुबली 2000 करोड़ आई नो सर दैट्स व्हाई आई एम हियर हैव अ लुक हम लोग मुफ्त में करते हैं भाई सर मैं आपका फैन हूँ इसके लिए आया हूँ डिपार्टमेंट की तरफ से मैं नहीं आया हूँ आज मैं आपका फैन बन के यहाँ पे आया अरे आई लव यू ब्रदर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बस ऐसे ही फैन बन के ही आना रेड मारने मत आना कल प्रभास ने बोला कि ये बिल्कुल करेक्ट है और कोई मैडम मैडम बोलो नमस्कार नमस्कार प्रभास का पूरा नाम है वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू उपल्लपट्टी बिग फैन डार्लिंग आप कहाँ से आई हैं हैदराबाद हैदराबाद से ओके तो प्रभास सर प्राइस किसका बनता इनका के इनका दोनों का ओके सो डू वन थिंग गेट मैरिड टू ईच अदर अच्छा प्रभास का नाम जितना लंबा है मुझे लगता है एक चेक पे इनका पूरा नाम भी नहीं आता होगा और पेमेंट भी इनका एक बैंक से नहीं आता बिकॉज़ ही इज अ ह्यूज स्टार तो पेमेंट भी ज्यादा है तो प्रभास के बारे में हमने सुना बहुत शाय है सीरियस सेट पे भी शाय रहते हैं बिल्कुल इन फैक्ट उनका एक्चुअली एक मिस्चीवियस साइड नॉटी और मजाकी साइड भी है ओके और सेंस ऑफ ह्यूमर भी है बहुत बहुत मस्ती भी करते हैं नॉट लाइक यू सर नहीं भाई मैं समझ गया प्रभास वहाँ पे मस्ती करते हैं जहाँ पे पैसे मिलते फ्री में नहीं करते ये कितना खर्चा हो गया होगा फिल्म पे तो बहुत महंगी फिल्म लग रही है या 350 करोड़ वाओ
दादा मेरे को कुछ चाय वाय देना, मेरा ना बीपी लो हो रहा है। वेल आई होप ये 3,500 करोड़ करे। वैसे फिल्म में जो है 2,000 करोड़ की चोरी हुई है। एक्चुअली प्रभास जैसे एक्टर हैं फिल्म में तो 2,000 करोड़ की ही चोरी बनती है। अब 10 करोड़ की आप रखेंगे तो डायरेक्टर बोलेगा 100 करोड़ तो हमारा हीरो ही ले रहा है, तो 90 करोड़ हम क्या जेब से डालें? तो प्रभास, मीट माय फ्रेंड दिनेश। हेलो। हेलो। या ही यूज्ड टू थेफ्ट गन्ना फ्रॉम द ट्रक, यू नो गन्ना शुगर स्टिक, शुगर केन, शुगर स्टिक। तेरी अंग्रेजी शुगर केन, शुगर केन। ही यूज्ड टू पुल द गन्ना फ्रॉम द रनिंग ट्रक, फिर चलते ट्रक से गन्ना खींचता बेसिकली। सम टाइम्स द गन्ना टाइट इज सो टाइटली कि ही रन फ्रॉम नोएडा टू गुरुग्राम। माई इंग्लिश इज ओवर, दैट्स ऑल मी लॉर्ड। यू नो प्रभास सर, योर हिंदी इज स्टिल गुड बट माई इंग्लिश इज इन ICU एंड डॉक्टर इज सेइंग वेरी लिटिल चांस, वेरी लिटिल। बट यू नो आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। वी लव टू हियर यू स्पीक इंग्लिश। थैंक्स गाइस। श्रद्धा, आपने एक दूसरे को अपनी लैंग्वेज सिखाई कि आपने ट्यूटर रखा हुआ था? इनको तो हिंदी आती है। हाँ, मुझे अच्छी तो, बोलते हैं हिंदी। मुझे तेलुगु के लिए शुरू में ट्यूशंस लेने थे थोड़े से। ओके। और सिर्फ डायलॉग सीखने के लिए। तो अभी बोल लेती हैं तेलुगु के? नहीं नहीं बोल लेती, लेकिन डायलॉग्स मगअप करके एकदम तैयार करके बोल सकती हूँ। तो बहुत प्यारी लग रही हैं आप मूवी में। मुबारक हो आपको। थैंक यू। श्रद्धा, आपने तो बॉलीवुड में तो आप काम करती रहती हैं, अभी आप साउथ में काम कर रही हैं, दोनों इंडस्ट्रीज में क्या फर्क लगता है आपको? कोई फर्क तो ऐसा है नहीं, दोनों इंडस्ट्रीज में पैशन है फिल्में बनाने का। शायद एक हल्का सा डिफरेंस जो शायद है वो ये है कि आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा करके बहुत सॉफ्टली, मतलब रिस्पेक्टफुली सॉफ्टली सब एक दूसरे से बात करते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में, अरे वो वहाँ से निकला, अरे ये वहाँ से, अरे वो वहाँ से, अरे ये, अरे उसको जल्दी बुला, अरे उसको, तो वो थोड़ा फर्क है। हमारी मोहब्बत ज्यादा, अपनापन ज्यादा है ना? पर दोनों में प्यार है, दोनों के तरीके अलग है। हाँ, कई लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसमें ऐसे आप प्यार से बोला तो लगता है जैसे कि आप डांट रहे हो किसी को। पर बात सर, आप आए हैं तो सबसे पहले तो सर वी आर सो प्राउड ऑफ यू। मैंने हम लोग अमेरिका में थे तो तब बाहुबली का पोस्टर देखा हमने, तो वी फेल्ट सो प्राउड। तो मैंने तो एक दो को बोल भी दिया, मैंने कहा आई एम ऑल्सो इन दिस मूवी। मैंने कहा जब देखा जाएगा तो जब जाएगा मैं कौन सा होऊंगा यहाँ पे, किससे पूछेगा। बोल के तो मैं निकल गया। अच्छा प्रभास सर, हमने एक बात सुनी है कि ये तो हम सब जानते हैं कि आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन हमने एक बात सुनी आपके बारे में कि आपको शादी के लिए 5,000 से ज्यादा प्रपोजल्स आए। इज इट ट्रू सर? आई डोंट नो सर, मे बी इट्स अ रूमर। पर ऐसा हमने ऐसे रिसर्च किया, उसमें बताया गया कि 5,000 से ज्यादा लड़कियां जिन्होंने प्रपोजल भेजे हैं, तो जिनको एड्रेस वगैरह पता होगा, जिनको एड्रेस नहीं पता वो तो कितनी करोड़ों में होंगी वो तो। हाँ देखो, हमारे तो एक ही रिश्ता है, हमने उसी से शादी कर ली। देखो हमको भरोसा नहीं था ना कोई दूसरा आएगा, हमने कहा अभी कर लो। सो प्रभास सर से और श्रद्धा से बातें जारी रहेंगी, फिलहाल बुलाते हैं फिल्म साहो से एक दूसरे इंपॉर्टेंट किरदार को। प्लीज वेलकम मिस्टर नील नितिन मुकेश, जोरदार तालियां इनके लिए। नील, आपकी एक कजन आई हुई है। अच्छा, आपने कजन बना दिया। बदमाश। नील, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। नील, फिल्म में आपका क्या किरदार है? आप भी 2,000 करोड़ के पीछे हैं। कहानी को लेकर
How much can we really reveal about the story? Don't reveal, sir. Nothing. You see, he's sitting out here. When he's sitting out here and she's there, then the zips anyways tied. But trailer bahut hi khoobsurat hai. Thank you, thank you. Once again, bahut bahut mubarak ho. Thank you. Achha, aap sab jante hain ki jo hamare film actors hote hain, inko har tarike ke, har umr ke kirdaar nibhane ko mil jate hain. Lekin real life mein aisa hota nahi. Lekin main apne darshakon se jana chahta hun ki agar Ishwar aapko aisi shakti de, जैसे कोई कहता है कि मेरा बचपन ज्यादा लंबा हो जाए जी, 30 साल तक मैं बच्चा ही रहूं, या 30-40 साल तक मैं जवान ही रहूं, या मैं मुझे बुढ़ापे में रहना अच्छा लगता है, तो कितने लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं और कौन से पड़ाव को होल्ड करना चाहते हैं, बचपन, जवानी के बुढ़ापा? जी मैम. हेलो अर्चना मैम. हाय. हेलो कपिल सर एंड हेलो एवरीवन. हेलो मैम. सर फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया. थैंक यू मैम. सर अगर मुझे भगवान ने ये शक्ति दी कि मैं कोई दौर अपने जिंदगी में बढ़ा सकती हूँ, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टीनेज को बढ़ावा दूंगी. अच्छा. जवानी को. उसको क्योंकि किसी ने बोला है हर जवानी की एक कहानी होती है. टीनेज एक ऐसा दौर है जिसमें एक एनर्जेटिक माहौल होता है वो टाइम पे सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा फ्लर्ट अफेयर मल्टीपल. सर यही एज का दौर है जिसमें हम कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं. लीगली दूसरे एज के दौर में कर तो सकते हैं, मगर चोरी चोरी छुपके छुपके करना पड़ता है. वाह. और सर कितने रोमांटिक विचार हैं आपके. थैंक यू वेरी मच. आप अकेली हैं मैम, कहाँ से हैं आप? माय हस्बैंड इज विद मी. कहाँ है? भाई साहब क्या बोल रही हैं मैडम. सर यही एज इसलिए बेस्ट है क्योंकि यही एज में ज्यादातर चैलेंजेस मिलते हैं एक्सेप्ट करने को, नया नया सीखने को मिलता है. जी. तो मेरे हिसाब से ये एज बेस्ट है, और मैं भी ये एज में दौर में जाना चाहके पूरा जोश और उल्लास से उसको जीना चाहूंगी. तो अगर आप वापस रिवर्स जाती है तो वापस भाई साहब से शादी करेंगी? वही. नहीं शायद इसलिए वापस जाना चाहेंगे. जी मैम. आज यही दौर चल रहा है, यही फ्लर्ट का माहौल चल रहा है. आप मेरे लिए आज के दिन आप मुझे दीपिका पादुकोण समझिए. और प्लीज सर, माय हार्टली रिक्वेस्ट कि आप प्लीज मेरे लिए तू ही रे दगा दीजिए. मेरा फेवरेट गाना है. मैं श्योर मैम. हेलो सर. हेलो. थोड़ा सा रिवर्स देना सर. कैन आई कम देयर? आइए प्लीज. आप दीपिका पादुकोण लग भी रही है इस ड्रेस में, है ना? थैंक यू. आउटस्टैंडिंग. Hello, hello, hello. Wow, yeah, he sings wow. What a singer, yeah. और कोई हमारे दोस्त इस या जी जी भाई साहब. हेलो अर्चना मैम. हेलो एवरीवन. तो सर मैं वो दौर वापस लाना चाहूंगा अपनी जवानी का जब मैं कोर्टशिप में था अपनी. वो क्या होता है कोर्टशिप? वो होता है जब सगाई के बाद का दौर और शादी के पहले वाला दौर. हैवी फ्लर्टिंग. हैवी मतलब पकड़े गए लेकिन जेल नहीं हुई अभी तक. हाँ. अंडर ट्रायल. तो तब ये होता है कि आप अपनी दुनिया में खोए होते हैं. आपको दुनिया की सुध नहीं होती, चाहे वो अपने आपके खुद के माँ बाप रहे, दोस्त यार रहे, जितने फोन आते हैं फोन काटते जाते हैं. हाँ. क्योंकि आपका एक ही सपना है कि जो मेरी होने वाली वाइफ है. हाँ, वो कैसी दिखती है. हाँ. मिले तो है ही जी. कैसे हम समय बिताएंगे जी. और हम कैसे चोरी छिपे मिलेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देना, तो वो एक मीठा मोमेंट होता है. जो कि जनरली ये होता है कि शादी के बाद ये सारी चीजें धीरे धीरे मध्यम होती जाती है. क्यों ऐसा क्यों होता है सर? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर इसका जवाब तो आपको ज्यादा अच्छे से पता है. अभी वाइफ आई है आपके साथ में? जी जी मेरी वाइफ आई है. नमस्कार जी. जी शी इज माय वाइफ. क्या कंप्लेंट कर रहे हैं इनडायरेक्टली आपकी ये बेसिकली? मेरी कंप्लेंट वो कर ही नहीं सकते. हाँ घर भी जाना है हमको. कहाँ से हैं सर आप? सर मैं नागपुर से हूँ. अच्छा जी. और एक मीठी बात ये भी होती है कि आपकी सालियाँ कैसी होगी. और ये बात होती है कि सर ऊपर वाली की वाहेगुरु की कृपा इतनी है कि लोगों की एक साली नहीं होती और मेरी चार चार सालियाँ. वो पीछे भाई साहब को वो देना जरा. इनके सालियों के नाम पूछिए आप. आपको क्या लेना देना. आप अपनी वाली पे फोकस करिए ना. He's asking, उनकी सालियों के नाम पूछो. सर उसकी एक अलग कहानी है इसलिए उन्होंने कहा शायद. अच्छा क्योंकि हमारी मतलब मेरी जो साली थी मेरी वाइफ
प्रिया, वो दौर पे वो गाना बड़ा फेमस हुआ था, ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया, तो इसका नाम प्रिया है। अच्छा जी। फिर नेहा का दौर आया तो ये नेहा आ गई। अच्छा जी। फिर उसके बाद दौर चला नैना का, शाहरुख खान ने मूवी की थी जिसके अपोजिट में नैना थी, तो ये नैना आ गई। अच्छा जी। फिर उसके बाद डीडीएलजे बहुत फेमस हुई जिसमें थी सिमरन, तो ये सिमरन आ गई। फिल्में तो अभी भी बन रही हैं, अंकल रिटायर हो गए लगता है। उसके बाद शाहरुख खान का दौर आया 90s में जी, तो मेरा एक साला है उसका नाम राहुल है। ओहो, हाय राहुल। और फाइनली आखिरी साली जिसका नाम किरण है। हेलो किरण। तो नागपुर में और भी लोग रहते हैं कि आप ही की फैमिली है? सर आप बड़ी मजेदार बातें करते हैं, मैं आपकी किसी भी साली जो भी बात कर सकती, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी जी। ये किनको भी? हाँ हाय सर। हेलो सिमरन, ये आपको इतना हंसाते हैं आपके जीजा जी घर पे? हाँ, बहुत ठीक निकला। मतलब वो एक दिन घर पे आता है और हम लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं। अच्छा, तो जीजा जी के भी भाई हैं? और नहीं, जीजा जी इकलौती हैं। तो आपके पापा फिल्में नहीं देखते? बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? जी लास्ट ये कुछ कहना चाहते भाई साहब? कपिल सर हेलो सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। थैंक यू ब्रदर। क्या नाम है आपका? रुपेश यादव। रुपेश क्या कहना चाहते हैं आप, कहाँ से आए आप? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर मैं इसी दौर में रहना चाहता हूँ, क्योंकि इस दौर में जितनी हम मौज मस्ती कर रहे हैं आगे जाके कुछ भी नहीं हो पाता। क्या कर रहे हो इस दौर में, मेरे को थोड़ा हमें बताओ। नहीं वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ आगे जाके हमें जॉब करनी पड़ती है, घर वाले शादी कर देते हैं, नौकरी करनी पड़ती है। तो आपका शादी करने का मन नहीं है? मेरा कहना ये है कि मैं इसी दौर में रहना चाहता हूँ, जितना अभी इंजॉय कर रहा हूँ उतना कमिट नहीं कर रहा बंदा। अरे कपिल सर आप सुनो। हाँ। मैंने अपने आंखों से लाइव देखा, आप मानोगे नहीं, घर के पड़ोस में एक आंटी अपने हस्बैंड को झाड़ू से मार रही थी, बताओ। उनकी गलती सुनो, उनकी गलती ये थी कि वो बस रात को लेट आए थे और अगले दिन उन्हें बहुत पड़ रही थी, और एक दिन सब्जी लेने गए और एक भिंडी लाना भूल गए, दोबारा भेजा उनको वहां पे भिंडी लेने के लिए। ये चीजें देख के आप डर गए हो? मैं डर गया, मैं तो शादी पे से विश्वास ही उठ गया। शादी के बाद अच्छा खासा शेर चूहा बन जाता है, बताओ। उम्र क्या है आपकी भी? सर मेरी 15 years है सर, और मेरी एक हॉबी भी है कि सर मैं हिंदी गाने को संस्कृत में ट्रांसलेट करके सर गाना चाहता हूँ, क्योंकि सर हमारे देश से संस्कृत बहुत लुप्त होते जा रही है धीरे धीरे, संस्कृत आजकल कोई पसंद भी नहीं करता। सारे सोशल मुद्दे आज ही उठाएगा ये बंदा। अच्छा। ऐसी बात नहीं है सर। थैंक यू। हेलो सर, माय सर बच्चा यादव सर, आई लिव हियर, आई एम इन द मिल्किंग बिजनेस सर, आई मीन आई टेक मिल्क फ्रॉम काउ बफेलो, आई सप्लाई पीपल टेयर मिल्क मेक पनीर डू व्हाट दे व्हाट आई डोंट नो, मतलब माय ब्रेन इज नॉट एक्सेप्ट कर रहा व्हाट माय आईज इज देख रहा, यू नो सर। या मैन यो लाइक देखे सर आप लोगों के लिए हम सिर्फ एक चीज बोल सकते हैं। क्या? एक्शन हीरो हो तो प्रभास जी साहो, टैलेंट हो, अरे रुके रुके, टैलेंट हो तो श्रद्धा जी साहो, हैंडसम हो तो नील नीतन मुकेश साहो, साहो 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 साहो। Oh sir, you see how multiple level promotion I've done of Bahubali. Prabhas sir, Bahubali में आपने कैसे हाथी रोका था?
Can you stop him also? Sir, can you please keep quiet for like one century? Sir, film ka promo dekhe, sir. 2000 crore ka robbery you have done. I saw, sir. Lekin Archana ji, dekhne wala baat hai. 2000 crore ka robbery karne ke baad aadmi itna relax baithe hai. Jaise taaja taaja jija apne sasural mein baitha ho. Abhe paise real mein nahi, film mein churaye hain. Aur pata nahi kisne churaye hain. It's a suspense. Hey, Sony TV, हमारा सीधा ना अपना क्या हरिद्वार का या टिकट कटवा दो यार हमारा. आज हमें सत्य की प्राप्ति हुई है. ये बात आप हमको बताते नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता. It's awesome. What information are you giving me, bro? I know that much. और प्रभास सर, बताइए क्या पेश किया जाए आपके लिए. बोल तो ऐसा जैसे देवसेना बन के नृत्य करेगा इधर. अगर वो हमारा नृत्य देखना चाहेंगे तो कप्पू शर्मा पहना दीजिए हमें घुंघरू और उठा लीजिए ढोल के अपने हाथों में. अच्छा. और वो बैंड आप हमें डी माइनर दीजिए. आज अगर अपने नृत्य से डी माइनर को हमने डी मेजर ना बना दिया तो खुद बना लेना यार. तुम्हारा सारा जिम्मेदारी हमने नहीं उठा रखा. नेपोटिज्म से आया हुआ बैंड. नो सर, आई वॉन्ट टू टेल यू सर, दिस हैपेंड हियर. This man from Punjab. He get they from Punjab. They get more from Punjab. Now he even get audience from Punjab. Man come from Nagpur, that also Punjabi. Like Punjab, Punjab, Punjab. Sir, yahan pe itna jyada Punjabi hai. I feel I'm in Canada. Bachcha. तू बड़ा सबके साथ फ्रैंक हो रहा है इधर. हाँ तो फ्रैंक तो होंगे यार. अर्चना जी, हमारा और प्रभास जी का कल्चर काफी सिमिलर है. कैसे? अरे देखिए, इनके यहाँ अन्ना चलता है. हाँ. हमारे यहाँ गन्ना चलता है. इनके यहाँ कटप्पा चलता है. हाँ. हमारे यहाँ कट्टा चलता है. इनके यहाँ एक्शन का हवा है, हमारे यहाँ निरहुआ है. Like he's a Bhojpuri star, but sir, I really feel from my end, you are like a brother from another mother. Sir, वैसे, if you don't mind, I would like to give a multi-million dollar business idea for you. Oh. Big, big idea. Sir, आपका जो film Bahubali, I can dub that film in English. English आती है तुझे? Hello, yaar. Kamal hai. Whose tongue is walking? See. What is that? What is that? Whose tongue is walking? Kiski zaban chal rahi hai? Chal raha hai. But sir, I seriously think, give it a thought. Speak to sir Raja Molly. We can do this project slowly, slowly. Because slowly always wins. Fast always furious. And this man sitting here, he is always curious. ये देखिए यार, ये तो अंग्रेजी में शायरी बन गया सर. कहीं हम अंग्रेजों के गुलजार ना बन जाए. गुलजार नहीं, तू झाड़ हो रहा है. झाड़ दौड़ा कर, एक्सरसाइज किया कर. कपू शर्मा, हर चीज का अगर आपको इतना जानकारी है तो हमें एक चीज बताइए कि अपना डोसा जो होता है ना. हाँ. वो नारियल की चटनी के साथ ही क्यों सर्व किया जाता है? क्यों नहीं, नारियल के पेड़ के साथ भी सर्व कर दें, पर आप खा पाएंगे क्या? सर, आई कीप क्रैकिंग सिली जॉक्स फॉर जस्ट माहौल, एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर फील गुड. वैसे श्रद्धा जी, पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हम भी काफी नारियल की तरह ही हैं. मतलब बाहर से सख्त लेकिन अंदर मोम की तरह नरम. बाहर से सख्त लग भी रहा है जैसे किसी ने नारियल काट के ऊपर से स्ट्रॉ डाल दी. ओ कपू शर्मा. हाँ. हम अपनी चोटी के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे क्योंकि जैसे इनके फिल्म में इनका वचन ही है शासन, वैसे हमारी चोटी है हमारा राशन. हमारा सारा बिजनेस हमारी चोटी की वजह से चलता है. हाँ. चोटी के खिलाफ नहीं, यह समा हम यही समाप्त करते हैं. तख लिया.
किसको बोलना तकलीफ, तेरे साथ आया तो है नहीं कोई? नहीं आया सॉरी माय अपोलॉजी सर, हम थोड़ा जोश में होते हैं तो बात निकल जाता है सर, बट फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू दैट हमारा महेशमति साम्राज्य जैसा राज्य तो नहीं है यहाँ पे, बट वी हैव वेरी सिमिलर प्रॉब्लम लाइक बाहुबली यूज्ड टू हैव. He is Bhallal Dev of my life. Always dancing on my head. And then we have one Rajmata here. ये सिर्फ हंसती हाँ, ओनली लाफिंग. और कभी कभी तो हमें लगता है ये कालके की फैमिली से हाँ. सडनली बात करते करते बीच में हम सब लोग बाहर चले, रचने थोड़ी देर के लिए इसका चलता रहेगा. नहीं ऐसे कैसे चलता रहेगा यार, पूरा बात तो करने दो. ये जूलियस जल रहा है बिकॉज सच गुड पर्सनैलिटी पीपल आर सिटिंग हियर ना, गेटिंग वेरी जूलियस. नहीं सर आई एम रियली सर, नील जी हम तो कमाल का बात देखिए, नील नितिन मुकेश पर्सनैलिटी देखिए, ये आदमी विलन बनते हैं यार. यार मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड कि अभी आपको कभी किडनैप करना होता है हीरोइन को तो आपको जाके हीरोइन उठाना पड़ता है या हीरोइन सामने से फोन करती है कि बहुत टाइम हो गया यार आओ उठा लो. सच अ गुड लुकिंग विलन. ओह माय गॉड, करने क्या है बच्चा इधर. बार बार यार करने क्या आया, करने क्यों आया, ये क्या आया. अर्चना जी फ्रॉम द थर्ड एपिसोड तब से ही बिन आस्किंग में ये क्या है वो क्या है क्यों आया है क्यों गया, यही यही जो सवाल या नेचर है ना आपका कपूर शर्मा, उसकी वजह से चैनल को हर बार हर एपिसोड के लिए नए गेस्ट बुलाने पड़ते हैं. अबे ये शो का फॉर्मेट है ना, 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 ना. ये शो का कोई फॉर्मेट नहीं है सर, ये आपका फॉर्मेट है. सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछते हैं, जवाब आप देते हैं सर. ही गिव एनी प्राइज दजी. नहीं नहीं आई एम टेलिंग यू सर, दिस मैन क्वेश्चन 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 डे नाइट क्वेश्चन क्वेश्चन इन द नाइट ही वेक अप ऑल द व्हाट व्हेन व्हाई हाउ हू. सो मच क्वेश्चन बट यू गिव आंसर रिप्लाई यू गिव. ही नॉट गिव एनी प्राइज नो मनी नथिंग, ही गिव ओनली टुल्लू. And sir, I'm telling you, same channel, there is Amitabh Bachchan ji sitting in KBC. He asks question, he gives you 4 options also. You give answer, he gives lot of money. Oh, lijiye, aap jeeta hai 1 crore rupay. He's happy giving 1 crore. Sir, with this guy, he gives no money, we poor. Sir, that is why I wear dhoti. Dhoti? Because dhoti have no pocket. Why have pocket when no money? So that's why. Praise my Lord, O Bahubali. Raja of Mauli. Raja of Mauli. Please help us. We are extremely poor. We have no money. Our leader does not give us any money. Leader. Please, we are cashless. Help us. He's not cashless only. He's necklace also. Sorry. अभी जा वरना सोनी को बोल रहे थे वो शो लेस करवा दूंगा मैं. अरे अच्छा. नहीं नहीं यार. सर ऐसा नहीं है, ये बोलेंगे हम चले जाएंगे सर, ऐसे नहीं जाते हम सर. आया वो जॉक्स का पिटारा. जॉक्स सुनाते हैं, माहौल बनता है सर. आई एम ए लिटिल फनी काइंड ऑफ गाय, सो आई विल क्रैक अ जोक नाउ सर. ओके ओके, प्रेजेंटिंग फर्स्ट जोक सर. हमको ये बताइए, व्हाट इज ब्लू And also not very heavy. Neela kya hai jo bhari nahi hai aise? It is light blue. Oh God! I actually started analyzing things. What is it?
I'm thinking, is it the smile? Okay, okay. One more, sir. One more. Shraddha ji, you please focus because this one is a technically difficult. What is the opposite of achar? Vichar? Abhi answer se samajh mein nahi aayega. The answer is onion. But I tell you how. Achar is also called pickle. The opposite of pickle is piaj. And piaj is onion. No. That was indeed technically very difficult. Sir, I'm sorry, sir. Sometimes that don't make sense, but that is life, sir. It always does not make sense. Yeah. All right, bro. Thank you. All right, sir. Thank you very much. Nice meeting you, sir. Please. Bye. Yo. Yo, bro. Chalta. No. Crazy. We have these kind of people also, sir. Crazy. नील एक बात बताइए आप इतने हैंडसम होने के बावजूद जो आपकी पहली फिल्म थी जॉनी गद्दार उसमें आपने विलन का रोल किया था जी तो आपकी फैमिली ने कहा नहीं कि भाई हमने तो हीरो जैसा लड़का पैदा किया था और ये आप उल्टे सुलटे काम कर रहे हैं विलन बन के जैसे स्कूल में हम जब किताबें पढ़ते हैं और कहानियां सुनते हैं माँ से जी तो कहानी एकदम जहन में रह जाती है उसी तरीके से माँ से मैं हमेशा हमारी हर स्क्रिप्ट एक बार मैं माँ से पढ़वाता हूँ तो माँ ने स्क्रिप्ट पढ़ी और माँ एकदम से माँ ने कहा कि भाई ये क्या फिल्म कर रहे हो तुम यार इसमें तुम पांच लोगों को मारने वाले हो तुम विलेन का काम कर रहे हो मुकेश जी के पोते हो तुम अर्चना जी आपको पता है प्रभास सर को टॉलीवुड में इनको यंग रेबल स्टार बोलते हैं व्हाई प्रभास सर ऐसे क्यों माय अंकल इज कॉल्ड रेबल स्टार सो ऐसा आ गया अभी यंग नहीं हूं बट या एक सेकंड सोनी टीवी जी चौथी लाइन बोल दी प्रभास सर ने Yeah. We have enough content. हमारे पास कुछ अफवाहें हैं सर, we have some rumors जो हमने इधर-उधर से सुने हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं श्रद्धा एक अफवाह ये है कि स्कूल में आप अपने टीचर को बोलती थी कि मेरे नंबर बढ़ा दो नहीं तो मेरे पापा किडनैप कर लेंगे really? ये आइडिया अच्छा है करना चाहिए था नहीं मतलब आइडिया नहीं आया था अच्छा तो ये अफवाह है हाँ ओके प्रभास सर ऐसा सुनने में आया है कि आप अपनी फिल्म के रिलीज के दिन सिर्फ सोते रहते हैं तो जनता ये जानना चाहती है कि क्या रिलीज के पहले पार्टी ज्यादा हो जाती है नो आई विल ट्राई टू स्लीप बट आई वोंट गेट बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रेस टेंशन सो टेंशन में तो मतलब काफी हद तक सही है ये अफवाह या ऑलमोस्ट या श्रद्धा प्रभास तो रिलीज से पहले सो जाते हैं आपके बारे में सुना है कि रिलीज से पहले आपका पेट खराब हो जाता है क्या ये सही है टेंशन तभी लास्ट टाइम जब शूट पे आए तीन बार गई श्रद्धा ओके तो नील आपकी एक फिल्म आई थी 3G ए किलर कनेक्शन जी तो सुना है कि उस फिल्म में प्रोड्यूसर ने कुछ आपका चेक रोक लिया था इसलिए आपने बदले में 15 किस किए उसमें चेक रोकने के बाद 15 किस हाँ आपने बदले में 15 किस कर लिए और चेक मिलने के बाद उसके बाद सुना है कि आप 5G की वेट कर रहे हैं अभी लॉन्च होने वाला है ओके श्रद्धा एक अफवाह ये भी है कि आपके घर पे एक छिपकली है जिसका नाम चमेली आपने रखा हुआ है इज इट ट्रू हाँ जब मैं छोटी थी एक चिपकली थी मेरे कमरे में अच्छा तो मुझे बहुत डर लगता था तो मतलब मैं कमरे में फिर सोती नहीं थी तो मेरी मॉम ने कहा उससे दोस्ती करने दोस्ती क्यों रेंट पे रहती थी उसको बोलने पे क्या मतलब दोस्ती कर लिया उसने दैट्स सो क्यूट ये कैसे पता आपको देख लो मैं वेरी बिग बजट रिसर्च टीम ओके ए आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन टू प्रभास यू वॉच हिंदी फिल्म्स या I do. So which is your favorite Hindi film of all time? Yeah, many films. Sholay, Dangal. Yeah, a lot of films. And favorite actor in yeah. Bollywood? Yeah, I like Shah Rukh and Salman. Oh. And actresses, heroines? Deepika, Alia, Katrina. He's very
Julius now. Prabhas says she's married now. Yeah, very sad. दोनों रह गए. प्रभास सर एक ऑडियंस का सवाल था आपके जो फैंस हैं वो बोल रहे थे कि प्रभास सर से पूछिएगा कि अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे सबसे पहले. I think I'll stop interviews for the industry. बंदे ने पहली बार प्रमोशन किया है फिल्म के लिए और देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए ध्यान से देखिए इस इंसान को. वेरी नाइस आंसर. अर्चना आपको पता है नील बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं. रियली मैंने तो कभी नहीं देखा सुना. अभी देख लो अभी आएंगे. अरे नील सर थोड़ा सा या मजे के लिए ठीक है. क्या क्या करना है जो आपका दिल करे सर. अच्छा एक डायलॉग तो आप बताइए. दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. संजीव जी. अच्छा सो संजीव कुमार जी हैव टू से दिस टू रमेश बाबू. हाँ अच्छा ओके. दो चुटकी सिंदूर. दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जाने. कपिल बाबू दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. But I think he's got a great style. Thank you. Superb, Neil. Thank you, sir. Sir, Saaho, करोड़ों कमाएगी हमें पता है. Already trailer इतना अच्छा है. लेकिन हम आपको यहाँ पे कुछ कमाने का मौका दे रहे हैं. हमारा एक खेल होता है के भाईल करोड़पति. So आप खेलना चाहेंगे? हाँ. Okay. लेके आइए जल्दी. सबसे पहले तो हम स्वागत करना चाहेंगे ब्लॉकबस्टर साहो फिल्म की स्टार कास्ट का यहाँ पे. प्रभास जी वेलकम. श्रद्धा जी वेलकम. नील नितिन मुकेश जी वेलकम. और स्पेशली हमारा इस खेला की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब हमारे साथ ज्वाइन हुआ है महेश पांजरेकर जी. ये खेला में आपके पास तीन लाइफ लाइन है. फर्स्ट वन बिंग फोन अ फ्रेंड. खाली चीज यह है कि फोन आपका होगा लेकिन फ्रेंड हमारा होगा. दूसरा है ऑडियंस पोल जिसमें पोल हमारा होगा ऑडियंस आपकी होगी. तीसरा है एक्सपर्ट की राय. वो तो अगर एक्सपर्ट आए तो दे देंगे नहीं आए तो बाय बाय. हेलो हेलो. अच्छा हेलो. आप फोन उठाओ हिम्मत है तो. हेलो हाँ जी राजा मौली साहब. हाँ. आप आए नहीं. अरे मैंने आपके लिए घर पे मौली वाले परौठे बनाए हुए हैं. साथ में साहू का साग भी बनाया हुआ है. हाँ जल्दी आ जाओ. और चलो 2,000 करोड़ रुपया लेते आना. क्यों? क्योंकि हम आपके बाहुबली के कब्जे में हैं. बाय. हेलो सर लेट मी इंट्रोड्यूस. ये हैं हमारे एक्सपर्ट. थैंक यू. चाहते तो नहीं है कि एक्सपर्ट हो लेकिन हाय प्लीज अरोड़ा साहब. इनके बारे में एक बात बता देते हैं कि जो बंद गोभी है ना वो खुल के वापस बंद हो सकती है लेकिन इनका मुंह कभी बंद नहीं होता. राजा मौली. अगेन. हेलो राजा मौली साहब. वो आपके बाहुबली में जो सांड था वो भी हमारे कब्जे में है. फ्री में ले जाओ आके. ठीक है अरोड़ा साहब प्लीज आज हम मूड में नहीं है प्लीज माफ कीजिए. हाथ तो ऐसे जोड़ रहा है जैसे मैं रंजीत हूँ ये बिंदु है. बात कर रहा है. देखिए सर आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना हमारे दूसरे एक्सपर्ट कभी आते ही नहीं है.
अर्चना जी 50 तोला महेश जी 50 तोला प्रभास जी 50 तोला श्रद्धा 50 तोला नील 50 तोला अंकल 50 तोला सबका 50 तोला लेकिन जब इसको तोला तो तराजू खुद बोला 50 क्विंटल कैसे आप मस्त एकदम मजे में आप लोग के पिक्चर में वो भी ना मंदिरा बेदी आए नहीं वो कोई बात नहीं उनका टीवी पे बोलता आए मंदिरा नहीं नहीं नाम नहीं ले रहा हूँ बोल रहा हूँ मंदिरा कब तक हम लोग जिम में मिलेंगे जी जिम यू नो मैं एक बात कहना चाहता हूँ मंदिरा जी इसके साथ मंदिर मत जाना ये आपको अंदर भेज के आपके जूते चुरा लेगा क्या अंकल अरे पापा जी अरे घबराओ मत मैं तो आपको जादू की जप्पी दे रहे अरे बाबा क्या बात है नहीं 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 बाबा यहाँ पे सब अलाउड नहीं है जप्पे पप्पे एनीथिंग फैमिली सो है अलाउड ही नहीं है मैं प्रभास जी आपको एक राज की बात बताऊं वन टाइम लड़की ग्रुप केम टू सी हिम वो कहते देख तो लेते लेकिन किस एंगल से देखे फिर वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए उन्होंने ऊपर से देखे कहते इधर से भी सेम दिखता है गेट अप डोंट डिस्टर्ब मी ए मां ए भाई ए उधर कुछ है मां क्या ए मां ए मां मां कुछ देना घास ले देना मां मां मैं अभी देखा हूं मां ए मेरे को मां मां क्यों कर रहा तेरी मां की मुझे थी मां मेरे को कुछ दिख रहा है मेरे को स्त्री दिख रही है माँ स्त्री नहीं 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 बिल्कुल नहीं ऊपर बैठो तुम कोई स्त्री नहीं है स्त्री से याद आया श्रद्धा आपकी फिल्म ने 200 करोड़ कमाया मेरा नुकसान हो गया क्यों मैं एक स्त्री के साथ फिल्म देखने गया उधर लिखा हुआ था स्त्री कल आना वो वापस चली गई वो अगले दिन आ गई अगले दिन आई मैं अपनी बीवी के साथ फिल्म देख रहा था मैं पकड़ा गया वेरी मच मेरा नुकसान हो गया कुछ है मैं बोला अंकल क्या हो रहा है ओ स्त्री कल आना मैं तो कहता हूँ परसों भी आना और मैं तो कहता हूँ नर्सों भी आना और 11 बजे के बाद आना मैं फ्री होता हूँ मेरे को थोड़ी सी शादी करनी है श्रद्धा जी सब भगवान से शक्ति मांगते हैं हम आपसे शक्ति कपूर जी मांग रहे हैं एक दिन के लिए उनको यहाँ पे लेके आ जाइए किसी का ढाक की चिक्की एक्सक्यूज मी अगर अगर आप लोगों ने मुझसे डरने ही नहीं था तो मैं जाऊं कि अब यहाँ से मेरी बात सुन तू जब शीशा देखती तेरे को डरने लगता तुम्हारा जरूरत नहीं है तुमसे ज्यादा भयानक यहाँ पर बैठे चलो यार Very bad face. I dislike. Totally. My apology, sir, for the inconvenience. तो इस संवाद के बाद हम खेला शुरू करते हैं खेला शुरू करने से पहले सर एक और जरा जोक्स दिमाग में आया है थोड़ा सा बोलते हैं सर आपने ये फिल्म बनाया वास्तव तो इंडिया में बनाया तो वास्तव ठीक है यही फिल्म अगर आप श्रीलंका में बनाते तो फिल्म का क्या नाम होता क्या होता श्रीवास्तव सॉरी सर थोड़ा मजा आता है इसलिए बोल देते हैं तो सर सबसे पहला सवाल 9,999 रुपए TDS काट के हमने फिगर बनाया है तो इतने रुपए के लिए पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल यह है सर कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा इट्स ए यूनिवर्सल क्वेश्चन एवरीबॉडी ऑप्शन ए कटप्पा बाहुबली के हेयर स्टाइल से जेलस था इसके लिए मार दिया ऑप्शन बी कटप्पा शादी करना चाहता था लेकिन उसको डर था कि बाहुबली औरत पर हाथ डालने वाले का गला काट देते हैं बोला बाहुबली को ही रास्ते से हटा दो मे बी ऑप्शन सी कटप्पा शायद बाहुबली की माँ शिवगामी देवी को चाहते थे लेकिन बाहुबली ने उनको मामा बना लिया था तो कटप्पा का जो है वो पूरा सेटिंग खराब हो रहा था में भी यू नेवर नो ऑप्शन डी
सर ऑप्शन डी हम रखे नहीं है, क्या है क्या महेंद्र बाहुबली जी नहीं रहे ना, तो इसलिए फिर हमने एक ऑप्शन जो है वो मौन रखा है, हमने मॉर्निंग के लिए रखा हुआ है, दिस ऑप्शन इज नॉट एग्जिस्टेंट। तो पहले तीन में से आपको चूज करना पड़ेगा, एक्सपर्ट की राय आप ले सकते हैं, एक्सपर्ट यू वांट टू गिव राय? ये तो हमसे राय ले लेंगे, हम आगे किन से ले, हमारे पीछे कोई है नहीं। आप कुछ बोलना चाहेंगे संजय दत्त साहब? हमने पूछा अब मैं हूँ या हूँ, हमको क्या कुछ रहा है। बैठ जाइए आप, वरना हम आपको गोली मारेंगे। और वो भी देखिए, हम गोली आपको यहाँ नहीं मारेंगे, यहाँ मारेंगे, क्योंकि आपके फिल्म में आपने कहा है कि सब यहाँ होता है। हाँ, और मैं भी तेरे को गोली इधर नहीं, इधर मारूंगा, क्योंकि तेरा भी सब यहीं पर होता है। बकवास कर रहे ले, बैठ जाइए यार। अच्छा मेरे एक बात सुनिए बच्चा यादव, सुने तुम्हारे अंदर सेट लगा हुआ, अंदर शूट भी करते हो तुम लोग। यार हमेशा बकवास, इससे बड़े स्टार है प्रभास से मेरे को बात करने दो। प्रभास सर, वन क्वेश्चन था मेरे को आपसे। जब भी कोई औरत पे हाथ डालता आप उसका गला काट देते है ना, मेरे को अपना कुर्ते का गला कटवाना था, मैं किस पे हाथ डालूं? क्या आपके चरण कहाँ है यार, कहाँ थे आप, क्या बात किए, कहाँ थे आप? मैं अंदर घपा गा पाव भाजी खा रहा था, भूख लगी थी ना मेरे को। क्या बात कर रहे ला यार सर, इनके घपा, I dislike him. अरे भाई इनके घपा गप को इग्नोर करके जवाब दीजिए, बताइए आपके हिसाब से सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन ए बी सी, ए ए, लेट मी चेक सर, सही जवाब, सही जवाब। ये क्या कर रहे हैं बाबा, इसकी धोती फाड़ दो, ये बहुत डराता है, सही जवाब है तो सही जवाब करने की क्या जरूरत थी, आराम से बैठ के बात करना। तो आप भी बैठिए, बैठिए। इतना डराता है, मैंने तो डायपर भी नहीं लगाया हुआ। आपका जवाब बिल्कुल साहो है। साहू तो आप जीतते हैं 9,999 रुपए की रकम, जो हम आपके बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, लेकिन हमें पता चला है कि आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 2,000 करोड़ का चोरी करके आपने कुछ मैनेज किया है, इतना पैसा है, वी आर पुअर, ये पैसा हमको दे दीजिए, ठीक है? तो हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ये जाता है हमारे फंड में। थैंक यू वेरी मच सर। अगला सवाल जो आप सभी से है वो ये है, श्रद्धा जी आपकी एक फिल्म थी, उसमें जो हीरो था वो बार बार कहता था मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, अब ये हीरो का ऐसा क्या मजबूरी है कि फिर भी तुमको ही चाहूंगा? आपके ऑप्शन है ए, हीरोइन ने उससे पैसे उधार ले रखे थे जिसकी वजह से वो उसको छोड़ नहीं पा रहा। ऑप्शन बी, एग्जाम में हीरो का रोल नंबर हीरोइन के पीछे था तो कहीं फेल ना हो जाए इस डर से वो छोड़ नहीं पा रहा था। ऑप्शन सी, हीरोइन जो है वो अमीर बाप की बेटी थी और हीरो घर जमाई बनना चाहता था इसलिए फिर भी तुमको चाहूंगा पे लगा हुआ था। ऑप्शन डी, हीरोइन को हीरो के नेट बैंकिंग का पासवर्ड पता था इसलिए अब वो छोड़ नहीं पा रहा। इसमें आप चाहें तो हेल्प भी ले सकते हैं, संजू बाबा आप कुछ हेल्प करना चाहेंगे, कुछ बताएंगे? आई डोंट केयर, आई डोंट वांट दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन, आई डोंट। बैठ जाइए अपना जगह पे यार, अजीब आदमी है। ज्यादा बकवास किया ना अभी, आ तो अभी क्या, अभी तेरा मांडवा तोड़ दूंगा मैं, समझा? Who is that? अच्छा ये बात मेरे को बतानी, एक बात बता सकते हैं अगर आप चाहे तो? पूछिए। ये हर बात में करना जरूरी है? आप मान गए भाई, मान गए। मेरे को आज का गुस्सा नहीं आया, इस आदमी ने मेरे को, तू ये खलना है, तू ये, जी हाँ तू ये। बकवास करता है सोनी साहब, मेरा एक सवाल है, जिस बात में कोई मजा भी नहीं आता उस पे भी इनका हंसना जरूरी है?
आप लोगों के सवाल जवाब खत्म हो गए तो सेलिब्रिटी से जवाब ले लें जरा। अरे ले ना यार, बार बार मेरे से गेस्ट लोग से बात करो, सेलिब्रिटी से काय को बात करते रहते हैं बात। सर प्लीज बताइए, फिर भी क्यों चाह रहा था वो हीरो? ऑप्शन ए बी सी और डी। ए क्या था? ए ऑप्शन आई विल टेल यू, ऑप्शन ए था कि हीरोइन ने उधार पैसे ले रखे हैं ना उसे। हो सकता है या बी, बी बी तो क्या है, वो रोल नंबर जो है आगे पीछे था, उसको कॉपी करना था, फेल होने का डर था। बी, आप बी को लॉक करते हैं, लेट मी चेक। सही जवाब। और तेरी धोती में किसी ने कुत्ता छोड़ा है? देखो सही जवाब, सही जवाब। बेवकूफ, स्टूपिड मैन ऑफ द अर्थ ऑफ द सेंचुरी। यार लीजिए, आप जीत गए हैं 50,555 रुपए। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, आपकी ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत सारे पैसे ये फिल्म कमाने वाली है, तो इन पैसों का आपको क्या जरूरत है? प्लीज डोनेटेड टू मी। या थैंक यू वेरी मच एक बार फिर, यू आर वेरी काइंड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। कितना आगे बढ़ेगा तू? आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। एक दिन इंडिया खत्म हो जाएगा, श्रीलंका शुरू हो जाएगा। बदतमीज का पराठा। बदतमीज का पराठा। इनको हम इग्नोर करते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओके सर, पूरे 1,00,000 रुपए के लिए, यानी कि एक पेटी के लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल यह है कि डोसा और समोसा, इनको कभी भी कोई साथ में ऑर्डर क्यों नहीं करता? आपके ऑप्शन है ए, क्योंकि बरसों से उनके अंदर नफरत का आलू भरा जा रहा है, इसके लिए वो दोनों कभी साथ नहीं आते। ऑप्शन बी, लाल चटनी समोसे को और नारियल चटनी डोसे को भड़काती रहती है। ऑप्शन सी, डोसा तो समोसा से मिलना चाहता है लेकिन समोसा तिकोना है, वो डोसे को चुभ जाता है इसलिए। या फिर ऑप्शन डी, डोसा समोसा का मौसा है, शादी में रूठ गया था इसलिए दोनों में बातचीत नहीं चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर संजू जी भी बैठे हैं, आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? प्लीज कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, लेकिन यार। अरे बजाओ यार। अंकल मेरे तो मूड खराब हो गया है, चलो पौवा पिलाओ मेरे को। नहीं 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 नहीं, इधर पैग वैग ऑर्डर नहीं कर सकते, नहीं पी सकते हैं। अंकल मैं तो बोलता हूँ उठ के इसको एक 30 ml का चाटा मारो ना, क्योंकि मैंने अगर 90 ml का मार दिया ना, इधर ही मर जाएगा ये। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। जबरदस्त डांस किया, हम देखेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, करने दो करने दो, ये बंदा तो फिर भी ठीक कर रहा है। एक इधर और बंदा आता है, अपने आप को गोविंदा का भांजा बोलता है, पता नहीं क्या करता रहता है, ओए ये हवा में पूरियां निकालता रहता है। बेटे ये खलनायक हमने बनाया तुम्हें, हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है? हमने पता है तू खलनायक, कान के पास आके बोलता है नहीं खलनायक। सर इग्नोर एवरीथिंग, बताइए क्या जवाब है आपका, ए बी सी या डी? सर सर ए, ऑप्शन ए। Let me check. Sai jawab! Wow! Wow! Sir, mind blowing. Back to back sai jawab de rahe hain aap log. Ye lijiye, aap jeette hain ye ek peti. Ye peti aap rakhiye. Iske saath. ये जस्ट पेटी और कुछ नहीं है, एम्प्टी पेटी। पेटी के साथ आप कोट लगा लीजिए अपना, तो शायद ये पेटी कोट भी बन जाए। गंदी बात, मजे के लिए बात बोल दे, जस्ट अ जोक्स एंड ऑल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल एक खोका के लिए, खोका। ओके, खोका की बात कर रहा है। व्हाट? नहीं मैं कुछ नहीं बोला। मैं बोला क्या? जी हाँ, नहीं नहीं बोला, नहीं नहीं बोला, नहीं। किधर बोला मैं? मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा। बोला क्या मैं? चलिए रेजी सर, ये रहा अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। लव इट, लव द एनर्जी मैन।
ये नील जी आपका एक फिल्म आया था आ देखें जरा. अच्छा हमारा सवाल है इसमें क्या देखने की बात की जा रही है. ऑप्शन ए वो देखने की बात की जा रही है. अच्छा ऑप्शन बी ये देखने की बात की जा रही है. ऑप्शन सी बात ये देखने की जा रही है लेकिन वो देखा जा रहा. ऑप्शन डी आ देखे जरा में जरा जरा देखने का बात कर रहे हैं लेकिन जरा देख नहीं रहे देख पूरा रहे हैं. तो हमने जो इनसे सवाल पूछा उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? मैं सुना. अब हमें नहीं लगता हम जीवन में ये गाना फिर कभी सुन पाएंगे. चलिए ठीक है तो नील जी हाँ जवाब दीजिए आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? मैं बाबा के जवाब से सहमत हूँ. डी. ऑप्शन डी जी. नहीं मेरे को ऑप्शन डी नहीं लगता है. मेरे को ऐसा लगता है कि ये अपनी फैमिली को बोल रहे ले कैसा कपिल शर्मा शो 9:30 बजे सोनी टीवी पे आता है वो देखे जरा. व्हाट आई फील व्हाट यू फील इज फाइन लेकिन ऑप्शन में है नहीं ये कहां से आ गया यार बीच में. अच्छा जिसकी वजह से ऑप्शन पड़ रहा है उसका ऑप्शन रखा ही नहीं इसने. सोनी साहब इसका दूसरा ऑप्शन देखो तू बोल बोल जी हाँ मैं भी हूँ कल लायक. जी हाँ सॉरी सॉरी माया लो पहुंची सर. मैं तेरी धोती फाड़ के रुमाल करूंगा आज. सर हमें नहीं लगता ये खेला आगे बढ़ पाएगा. माय हेलो पहुंची हम खेला को यहीं समाप्त कर रहे हैं. खत्म हो गया है खेला. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया ये खेला हमारे साथ. सर अब हमारा यहाँ पर वक्त है एक खूबसूरत तस्वीर लेने का जो अर्चना जी लेंगे. अर्चना जी प्लीज सर आइए एक फोटोग्राफ हो जाए. क्या तस्वीर है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप यहाँ पर आए. अब वक्त है फिल्म साहो के सॉन्ग्स में अपनी आवाज देने वाली दो जबरदस्त सिंगर्स को यहां बुलाने का. तो प्लीज वेलकम ध्वनि भानुसाले और उनके साथ यहां पर आ रही है तुलसी कुमार. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.